एमपी के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के इलाके में किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं और अफसर अपनी मस्ती में हैं। ऐसे में हालात इतने विषम हैं कि भाजपा विधायक को किसानों के साथ अफसरों के कैबिन में जमीन पर बैठना पड़ा। विदिशा जिले के सिरौंज विधायक उमाकांत शर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं। मामला खाद से जुड़ा हुआ है। खरीफ की फसल की बोनी चल रही है, ऐसे में किसानों को खाद की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब किसान खाद के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंचे तो उनकी सुनवाई ना होने पर क्षेत्र विधायक उमाकांत शर्मा भी किसानों के साथ मैदान में खड़े हो गए और बोले, ये सरकार किसानों की सरकार है, जब किसान जमीन पर बैठ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता। उमाकांत शर्मा ने कहा कि मुझे पता चला है कि मेरे क्षेत्र के किसान बहुत परेशान हैं, जो नीचे बैठकर खाद की गुहार अधिकारियों से लगा रहे हैं। मेरे किसान ही मेरा सम्मान है और उनके सम्मान में मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं तैयार हूं, क्योंकि यह सरकार किसानों की सरकार है। कल परसों सुना मैंने, मध्य प्रदेश स्तर पर देखा और नेता प्रतिपक्ष ने ये विषय उठाया है, अखबारों में भी आया है, समाचार पत्रों से भी ज्ञात हुआ कि मेरे क्षेत्र के किसानों को नीचे बिठाया गया, इसलिए मैं भी नीचे बैठ के बात करता हूँ। मेरे किसानों का सम्मान ही मेरा सम्मान, हमारी सरकार का सम्मान है, ये किसानों की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है, ये मोहन यादव जी की सरकार है। कोई अधिकारी कर्मचारी नागरिकों के साथ किसानों के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो उसका उसे आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।